चलो बच्चा एक और नया सम, इसमें हमें डिस्कस क्या करना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमने डिस्कस वो करना है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट आपको एक क्विक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस दिए हैं और आपको क्या ढूंढना है? तो आपको ढूंढना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। समझ में आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, जीरो दिए हुए हैं और एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है। क्वेश्चन पहले ये समझ में आए तो ही आगे पढ़ना। तो अब क्लियर एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल और ये हमारा पॉलीनोमियल है। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल विद द जीरो ऑफ अल्फा एंड बीटा माइनस। तो बच्चा आपको गिवन क्या है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, वो लिखना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। अब इसका यूज करके हम क्या करेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चा, तो सम ऑफ जीरो में लिखेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे बच्चा? अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स, जो आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? तो हमारा सेवन है, आगे माइनस सेवन। आप बोलोगे सर ये माइनस आपने यहाँ से लिखा, माइनस सेवन यहाँ पे दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का कोऑफिशिएंट जो है वन, आंसर आ जाएगा सेवन। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब आप बोलोगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारी टेन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो वन, सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ जाएगा कितना? टेन। यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा वर्ड बोलना है। अब बच्चा इतना जैसे होता है, आप बोलोगे सर अब क्या करना है? तो अब बच्चा आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढना है किसके। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो जीरो हमें दिए हुए ना उसका यूज करके ये करना है। तो एक बार सम लिखते हैं, थोड़ा लिखना पड़ेगा उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा, तो थोड़ा हमने हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। लेट द सम एंड लेट एस एंड पी डिनोट रिस्पेक्टिवली द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर। तो जीरोस क्या है बच्चा? यहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा, यहाँ पे क्या है बच्चा? तो अल्फा एंड बीटा माइनस। तो हमें क्या करना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर हमें जो करना है यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढना है या सम ढूंढना है। तो पहले हम सम ढूंढते हैं, तो हम सिंबल में लिखेंगे एस और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा। आप बोलोगे सर सम बोला और आपने लिखा अल्फा बीटा, तो देखो बच्चा अल्फा प्लस बीटा। जहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा एक जीरो जो है वो क्या है? वो प्लस में है और बीटा जो है वो माइनस में। सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चा बारी आई अल्फा माइनस बीटा, जो आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं, तो ढूंढना तो पड़ेगा बच्चा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो बच्चा आपको पहले बहुत पहले क्लियर होगा तो हमने क्या ढूंढा था। तो आप बोलोगे सर हमें आइडेंटिटी आती थी, इसका यूज करना है। तो ध्यान से देखो इसका हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आपको चाहिए क्या? अल्फा माइनस बीटा चाहिए और आप ढूंढ क्या रहे हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हाँ बच्चा यहाँ जरूरत पड़ेगी आपको, वो ध्यान में रखना है। तो वो हम सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। पहला स्टेप क्लियर। दूसरे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर क्या लिखोगे? तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ तक आपको ये क्लियर करना है। तो बच्चा अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये पॉइंट तो हो गया, अब आगे हमें क्या करना है? तो अब सिंपल हमें जो ढूंढना है उसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो अल्फा माइनस, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चा बोलेगा सर ये अल्फा माइनस बीटा तो समझ में आ गया, होल स्क्वायर लेंगे तो आगे जाके इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर, आप बोलोगे सर बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बच्चा हम सबसे पहले लिख क्या सकते हैं? तो बच्चा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
और यहाँ पे आप बोलोगे सर पूरी वैल्यू है माइनस टू अल्फा बीटा, और ये दूसरा जो माइनस अल्फा आप बोलोगे माइनस टू अल्फा बीटा है वो हम रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट में डाउट है? नहीं है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बोलोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे फोर अल्फा बीटा। अब ये बच्चा हमारा ध्यान से देखोगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला हुआ है। बच्चा बोलेगा सर हमें तो चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ सिंपली लिख देंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो ये आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया आपको, सिंपली ये पॉइंट आपको क्लियर होता है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ आपको बारी बारी ये पॉइंट बहुत ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिखो S इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर अल्फा माइनस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे अंडर रूट ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो ये होते ही आप बोलोगे सर आगे चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा हमारा है सेवन का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चा बोलेगा सेवन प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे सेवन लिखा, यहाँ पे फोर लिखा, अल्फा इंटू बीटा जो हमारा है टेन। क्लियर? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो यहाँ होगा 49, यहाँ होगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 9, अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3। तो ये हमारा सम आ गया। क्या आ गया बच्चा? सम आ गया। अब हमें क्या करना है? तो आप बोलोगे सर प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, पी से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चा बोलेगा ये तो हमारे पास रेडी है माइनस 10, क्या हो जाएगा ये 10, और ब्रैकेट खुलते ही ये माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। तो बच्चा बोलेगा सर चलो लास्ट स्टेप जो हमें ढूंढना था वो करना शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या बोला हुआ है? रिक्वायर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स इंटू, आप बोलोगे प्लस प्रोडक्ट, फिर से एक बार एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारे पास सम जो है वो 3 है, तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखो, यहाँ पे आप बोलोगे सर 3x और माइनस 10, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा।